बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 4.5 की जो दो फार्मूले इस्तेमाल होना थे वो मैंने कल आपको लिखवाए थे। जैसे 4.4 ख़त्म हो गया उसी की लास्ट में मैंने वो दोनों फार्मूले आपको लिखवाए थे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब विनर। अब देखिए, इधर से हमें पता चल गया कि हमें अगर फार्मूला इस्तेमाल करना है तो एक तो क्यूब वाला इस्तेमाल करना है और दूसरा पॉजिटिव वाला इस्तेमाल करना है। अब देखिए, गिवन ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, ए बी इज इक्वल टू 5, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका रिक्वायर्ड है। ठीक है, सॉल्यूशन ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, ए बी इज इक्वल टू 5। टू फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब यूजिंग फार्मूला। अब हम हर क्वेश्चन में ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखेंगे जो मैंने लिखवाया है, हम क्वेश्चंस में ये लिखेंगे, लेकिन ये पहले क्वेश्चन में मुझे जरूरत थी तो मैंने आपको लिखवा दिया कि आपको समझ आ जाए कि यही फार्मूला आप लोग क्लास 7 में कर चुके हो। ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। इन दोनों से 3 ए बी कॉमन कर दो, आपके पास इधर ब्रैकेट में ए और प्लस बी रह जाएगा। इसकी जगह पे 4 पुट कर दो, 4 क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो खुद अपनी जगह पे आ जाएगा, 3 अपनी जगह पे, ये ए बी और ए प्लस बी, ये तीनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई में है। ये जो मैं कर रहा हूं ना, 3 ए बी और ए प्लस बी, मैंने उसकी वैल्यूज लिखवा दिए, वैल्यूज आपने लिखवा दिए। 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 से आ जाएगा 60। 64 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 60। सब्ट्रैक्ट, आपका जरूरत सिर्फ ये है, देखिए क्लास, आपकी जरूरत सिर्फ ये है, सिर्फ ये टर्म है आपका। जब ये टर्म है तो इससे एक्स्ट्रा चीज निकाल दो इधर से। कैसे निकालेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ये एडिशन में है तो बाय सब्ट्रैक्शन खत्म होगा, अगर सब्ट्रैक्शन में है तो बाय एडिशन खत्म होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये एडिशन में है तो सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट 60 फ्रॉम बोथ साइड, 60 इधर भी लिख दो, 60 इधर भी लिख दो, लेकिन माइनस साइन के साथ। इधर तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 64 माइनस 60 से आपके पास आ जाएगा 4। इसी तरह आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 4 के बराबर आ जाएगी। अच्छा क्लास, ये एक पार्ट तो मैंने आपको पूरी का पूरा करवा दिया, अब एक पार्ट और मैं करवा रहा हूं और बाकी जो थर्ड पार्ट है वो आपका हो जाएगा होमवर्क। अब कैसे करेंगे? बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज थोड़ी सी चेंज करनी है, बाकी आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता देता हूं, देखिए अब देखिए क्लास, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है। ये पार्ट नंबर 2 मैं भी कर रहा हूं, इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में अगर आप वैल्यूज को देख ले तो वो है, इस इधर है आपके पास 3 और इधर आपके पास है 20। अब आप अपने क्वेश्चंस को देख ले, जिस जिस जगह पे वैल्यू पुट करनी है इधर पुट करोगे 3 और इधर पुट करोगे 20। अब देखिए इधर क्लास, इधर हो जाएगा 3 क्यूब, इधर हो जाएगा 3 और ए बी की जगह 20 और ये ए प्लस बी की जगह फिर से पुट कर दो 3 क्यूब से आ जाएगा 27। ठीक है, 27 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9, 9 मल्टीप्लाइड बाई 20 से 180 आता है, अगर ऐसी भी नहीं कर 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 60, 60 मल्टीप्लाइड बाई 3 से 180। अब आप लोगों का काम है कि इस 180 को खत्म कर दे दोनों साइडों से, इधर सी भी 180 तो सब्ट्रैक्ट 180 फ्रॉम बोथ साइड, तो 27 माइनस 180 और इधर भी हो जाएगा 180 माइनस 180, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 27 माइनस 180 आ इस तरह करें 180 माइनस 27 10, 3 आ जाएगा, इधर 7 रह गया है, 7 से 2 निकाल दो 5 1, माइनस 153 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा और इधर आपके पास आ जाएगा माइनस 150 और ये 3। अच्छा क्लास, ऐसी ही आपके पास आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 था ये खत्म हो गया है।
पार्ट नंबर थर्ड आप खुद करोगी, क्वेश्चन नंबर वन क्या पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर वन पार्ट थर्ड आप खुद करोगी, इसी के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू करेंगे। अभी आप अपने साथ ये राइट डाउन कर ली, पूरे का पूरा फॉर्मेट मैंने आपको लिखवाया है, आपको किसी चीज़ का तकलीफ नहीं होना चाहिए, कोई मसला नहीं होना चाहिए, बहुत ही आराम से आप इसको करें और इसका थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, उसको आप खुद नीट नीट अपने कॉपी में उतार देंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी स्टार्ट कर रहे हैं 4.5 का क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में नेगेटिव वाला ए माइनस बी होल क्यूब वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, जैसे कि मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, आज पहले क्वेश्चन में भी बताया है कि इसमें क्यूब वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा लेकिन नेगेटिव वाला। कैसे इस्तेमाल होगा, आपको क्वेश्चन नंबर टू में मांगा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब व्हेन, नंबर वन पार्ट ए माइनस बी इज इक्वल टू फाइव, ए बी इज इक्वल टू सेवन, फाइंड करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना है, ए माइनस बी इज इक्वल टू पांच, ए बी इज इक्वल टू सेवन, टू फाइंड द ए क्यूब माइनस बी क्यूब यूजिंग फार्मूला। फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है, आपको इस फार्मूले का पता भी है, आप सेवन में पढ़ चुके हो, ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर, इन दोनों से थ्री ए बी कॉमन कर दो माइनस थ्री ए बी, तो ये साइन भी नेगेटिव हो जाएगा, अंदर रह जाएगा ए माइनस बी। अब इसमें वैल्यूज पुट करा दे, ए माइनस बी की जगह तो फाइव पुट करा दोगे, फाइव होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो अपनी जगह पे, क्योंकि ये आपका रिक्वायर्ड है, इसको तो आप फाइन कर रहे हो, माइनस थ्री ए बी की जगह सेवन और ए माइनस बी की जगह फाइव पुट करा दोगे, फाइव क्यूब से आ जाएगा 125, पांच को अगर आप पांच दफा मल्टीप्लाई करो तो 125 आता है, इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, थ्री सेवन जार 21, 21 मल्टीप्लाइड बाई फाइव से 105 आएगा। आपका टारगेट सिर्फ ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, माइनस 105 को इधर से खत्म करोगे तो एड कर दो दोनों साइडों को माइनस 105 से, वजह ये एड 105, क्योंकि आप इसको जब खत्म करोगे तो सेम यही डिजिट लेकिन अपोजिट साइन का इधर एड करोगे। अब आपने ऐड कर दिया 105, उधर भी 105, इधर भी, इधर तो 105 और 125 से हो जाएगा 230, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब रह जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 230। आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट वन। अब मैं इसी क्वेश्चन के पार्ट टू का मैं अगर करूंगा पार्ट टू तो आप इसको कैसे देखेंगे, देख ले, खुद देख ले, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की इजी है, थोड़ी सी हिम्मत आप लोगों को करनी पड़ेगी, बाकी इंशाल्लाह इसमें इतना कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, आप इसको किस तरह करेंगे खुद देख ले। अच्छा पार्ट नंबर सेकंड, इसी में सेकंड नंबर पार्ट, इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर टू में पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड क्या है खुद देखें, ए माइनस बी इज इक्वल टू टू, ए बी इज इक्वल टू 15, ये टू और ये हो जाएगा 15, ये टू और ये 15, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करा दो, इधर टू क्यूब हो जाएगा, इधर 15 मल्टीप्लाइड बाई टू, टू क्यूब से आ जाएगा 8, इधर 15 दोना 215 जा 30, 30 मल्टीप्लाइड बाई 3 90 हो जाएगा, एड 90 टू बोथ साइड, क्योंकि आप माइनस 90 को ख़त्म कर रहे हो, तो 8 प्लस 90 इज इक्वल टू माइनस 90 और प्लस 90, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल हो जाएंगे, आपके पास इधर आपके पास आ जाएगा 98 और ऐसे ही आंसर आपके पास आंसर आ जाएगा 98। इसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट सेकंड ख़त्म हो गया, आप इसको केयरफुली देख ले। इसी के साथ इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड के लिए देख ले, बिल्कुल आसान आसान अल्फाज में मैंने करवाए हैं, कोई ऐसी मुश्किल चीज इसमें नहीं है कि जो आपको नहीं आ रहा, अब देख ले इसको क्या करेंगे, इधर आप देख ले,
सिर्फ एक दो जगह पे वैल्यूज लगानी पड़ती है और बाकी तो क्वेश्चन आसान है। आप लोगों को तो इसकी समझ भी आ रही क्योंकि हम सेवन में कर चुके हैं इसी तरह के क्वेश्चन। एक है 7-6 पार्ट नंबर थर्ड, ये है 7 और ये है 6। अब आप जरा वैल्यूज पुट कर दें, ये है 7 और ये है 6, इधर पुट कर दे 7, इधर पुट करा दे 6 और इधर फिर से पुट करा दे 7। 7 क्यूब, 7 को 3 दफा मल्टीप्लाई करो, 49, देखिए 49 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 9 आर 63 और 7 4 आर 28, 28 प्लस 6 343, ये आ जाएगा आपके पास 340 और 3, ठीक है 343 हो जाएगा। अब इसको ज़रा देख लो, 76 आर 42, 42 मल्टीप्लाइड बाई 3, 42 मल्टीप्लाइड बाई 3, 32 आर 6 और 34 आर 12, 126, ये हो जाएगा आपके पास 120 और ये 6, ठीक है। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फाइंड करना है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को जब फाइंड करोगे तो ये माइनस 126 इधर से ख़त्म करोगे। कैसे ख़त्म करोगे? एडिशन से। तो इधर आप लोगों ने लिख दिया 8126 टू बोथ साइड, ये हो जाएगा 343 प्लस 126 is equal to 126 और प्लस 126, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 6 और 3 9 आ जाएगा, 2 और 4 6 आ जाएगा, 1 और 3 4 आ जाएगा, इसी तरह आपके पास 469 आपके पास आंसर हो जाएगा। और ऐसी ही आपके क्वेश्चन 2 मुकम्मल ख़त्म हो गया, क्वेश्चन 1 और 2 ख़त्म हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे करेंगे, लेकिन आज के लिए आपका इतना ही काम काफ़ी, इंशाल्लाह कल से फिर करेंगे।